वहाँ हगने जैसा शांति और किसी चीज में नहीं है। आत्मा शांति हो गया। बम भोले। अरे मादरचोद, इसरा बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा मुंडी छुपा लेते हैं, चुपचाप पार हो जाएगा वो। लोक निरंजन। बालक मुंडी उठा बेटा। साला ये तो बड़ा बेशरम साधु बाबा है। बालक मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ। तू बहुत ही खुशनसीब है बेटा। लंड का बेटा पोसे वाला दिख नहीं रहा, हग रहा है यहाँ पे। यहाँ का भिक्षा में हगल लेने आया है रे मादरचोद। नहीं बेटा, मैं लेने नहीं देने आया हूँ। साला तू हमारा गांड बनाया कर बाबा जी। ऐसा कुछ मत करना, हम कह देते हैं। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो? दरअसल आज रात मुझे स्वप्न में आया था कि ललुआ नाम का कोई लड़का है जिसको 1 करोड़ का लॉट मिलने वाला है आज। हाँ 1 करोड़। हाँ 1 करोड़, इसलिए मैं पूरे गांव में ललुआ कौन है ढूंढ रहा था। एक सज्जन व्यक्ति ने बताया कि तुम यहाँ पे लैटरिन कर रहे हो, इसलिए मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आया। मैं जैसा जैसा कहूँगा वैसा वैसा अगर तुमने किया तो तुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी। हाँ हाँ बाबा जी, आप कहो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं वैसा वैसा ही करूँगा, तो मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दिला दो। तो फिर ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अभी और इसी वक्त बगचौतपुर जाओगे, वहाँ तुम्हें एक लॉटरी की दुकान मिलेगी जिसका नाम होगा चौतरा लॉटरी। उसके कान में जाके तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा। बोल पाओगे वो मंत्र? हाँ हाँ बाबा जी, आप मंत्र बोलिए, मंत्र बोलिए जल्दी से। ठीक है बालक, मंत्र याद कर ले ठीक तरह से। हाँ बोलिए। तो मंत्र है, एक बार जोतो, दो बार जोतो, जितना मर्जी जोतो, पर लास्ट में एक लॉटरी दे दो। बोल पाओगे ये मंत्र? जी बिल्कुल बाबा जी, मुझे पूरा याद हो गया ये मंत्र, मैं अभी चाहता हूँ। पर जाने से पहले ये अपने साथ लेते जा, इसके अंदर एक चिट्ठी है, पर ध्यान रहे इसको बीच में खोल कर मत देखना, सबसे आखिर में इसको खोल कर देखना, तब तक तुम करोड़पति बन चुके होगे। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी, तो मैं चलता हूँ। जा ललुआ जा, आज का दिन तू कभी नहीं भूल पाएगा। बम बोले अलग निरंजन। बगचौतपुर तो पहुंच गया, अब चौधरा लॉटरी ढूंढना है। अरे वाह, मिल गया चौधरा लॉटरी, जय हो भोसी वाला बाबा जी, अब तो मैं करोड़पति बन ही गया। चलो अब जाके वो चौधरा लॉटरी वाले के कान में मंत्र पढ़ता हूँ। एक बार चूदो, दो बार चूदो, जितना मर्जी चूदो, पर लास्ट में एक लॉटरी दे दो। अब तेरी, क्यों नहीं, जरूर जरूर, चलो चलो जल्दी चलो, पास में ही मेरा घर है, चलो। हाँ चलिए चलिए। साला ये तो गांड मारने का मंत्र था वे। साला मार मार के मेरा गांड सुला दिया। गांड तो मारा मारा ठीक है, तो साला लॉटरी भी नहीं दिया वे। एक ले देख तो, ये वही है ना जो चौधरा लॉटरी के घर में गया था। हाँ देख तो, ये तो वही है रे। इसका मतलब वो चौधरा लॉटरी वाला इसको भी नहीं छोड़ा, वो चौधरा के पास जो भी गया है वही अपना गांड फुड़वा के आया है, इसका भी गांड का गुफा बना ही दिया होगा। चल चल तो इसको मजा लेते हैं, चल। हाँ चल चल, कहा रे गांड चो, गांड मरवा लिया, बहुत ही मजा आया होगा है ना। रे भोसले रोक रे, तुम लोग को कैसे पता कि हमारा गांड मार दिया है रे? और मारा भी है तो हमने मारा है, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है रे? हम मरवाने नहीं, हम कटिंग सीखने गए थे, वैसे ही कटिंग से थोड़ा बहन के थोड़ा मतारी के करेंगे, मतलब थोड़ा बहन के ना गुफा नहीं समुद्र बना देंगे, समुद्र हाँ, और थोड़ा मतारी के दरिया बना देंगे। साला खुजली, इसका इतना बड़ा हिम्मत, साला गांड मरवा के बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया इसका। चल चल इसको दिन में तारे दिखाते हैं अभी। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? किसने आपकी ये हालत की? कैसे हुआ ये सब बताइए हमको, बताइए जल्दी से। हम कहाँ बताए फुलझरी, सुबह सुबह हम लैटरिन करने गए थे, उसके बाद एक बाबा मिला। रोइए मत जी, आप वो चिट्ठी निकालिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, देखते हैं क्या लिखा है चिट्ठी में। मेरे प्यारे दोस्त ललुआ, हम कोई बाबा नहीं, तेरे बचपन के दोस्त झंडूराम है। तुमको याद है जब बचपन में हम पिकनिक गए थे जंगल में, तुम हमको अकेले पाकर मरगान मारा था। तुम भूल गए होगे शायद, पर हम नहीं भूले। और भी साला जब हमने बैठते हैं तो गान फटने लग जाता है दर्द से। उस दिन से लेकर आज तक बस यही सोच रहे थे कि कब हम गान मारने का बदला लेंगे। आज हम बदला ले लिए, महसूस कर कैसा लगता है जब कोई तेरे कान मारता है। बम बोले अलग निरंजन। बिल्कुल ठीक किया है आपके दोस्त ने। जी 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 जी,
बचपन में आप इतने गंदे थे, अब हम भी पूरा खातिरदारी कर ले आपकी।